एसोसिएशन आज शुरू हुआ है और एक्चुअली मैं बहुत खुश हूँ इस बात से और ये मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है और ये सब मास्टर्स हैं इस सारे एरिया के, तो मैं खुद सीखना चाह रही हूँ और इस सारे कॉन्सेप्ट को साथ लेके आगे बढ़ना चाह रही हूँ। जैसे कि आपने कहा कि आप काफ़ी लंबे समय के साथ किसी ब्रांड को एंडोर्स करने वाली है, तो एक ब्रांड को एंडोर्स करने से पहले आप क्या चीज़ें देखती है उस ब्रांड में, क्या खास चीज़ें होनी चाहिए उस ब्रांड की? क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए और क्वालिटी होनी चाहिए और ऐसा ब्रांड होना चाहिए जिसके साथ आप अपना नाम जोड़ने से आपको कोई दिक्कत ना हो। ज्वेलरी की बात करें तो किस तरह की ज्वेलरी आप पहनना पसंद करते हो? मैं तो बड़े बड़े डायमंड पहनना पसंद करती हूँ लेकिन जितना मुझसे अफोर्ड हो सकता है वो ज्वेलरी पहनती हूँ, और लेकिन मुझे जड़ाऊ ज्वेलरी का बहुत शौक है। आज की जैसे मैंने पहनी है। हाँ, आज की ज्वेलरी के बारे में कुछ बताइए, किस तरह का ज्वेलरी है? ये पोलकी है, जड़ाऊ है, इसमें रूबीज हैं है। तो पर्सनली ये मेरी फेवरेट ज्वेलरी है क्योंकि आई थिंक ट्रेडिशनल ज्वेलरी की बात कुछ और ही होती है। जी, ज्वेलरी से जुड़ी ऐसी कोई मेमोरी जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, आज कोई गिफ्ट मिली हो आपको या आपकी लाइफ की पहली ज्वेलरी? अनफॉर्चुनेटली मुझे किसी ने कभी कोई ज्वेलरी गिफ्ट नहीं की है। मैंने जितनी ज्वेलरी खरीदी है मैंने अपने मेहनत के पैसों से खरीदी है लेकिन मुझे डायमंड्स का बहुत बहुत शौक रहा है, तो मैंने अपनी मुझे हमेशा ख्वाहिश थी एक हार्ट शेप डायमंड खरीदने की, एंड आई मस्ट शेयर दैट मेरी पहली कमाई से मैंने पैसे जमा कर करके एक कैरेट का मेरा पहला डायमंड खरीदा था, जब सिर्फ कुछ 90,000 का एक कैरेट हुआ करता था। नाउ इट्स अनइमेजिनेबल, सो इट्स माय फेवरेट पीस ऑफ ज्वेलरी। मैम, दैट वी टॉकिंग अबाउट गिफ्ट्स, इट्स योर बर्थडे कमिंग, सो व्हाट आर योर प्लान्स फॉर योर बर्थडे मैम? नो प्लान्स येट, आई नेवर हैव एनी प्लान्स फॉर माय बर्थडे। आई ऑलवेज वांट टू रन अवे फ्रॉम माय बर्थडे समवेयर बट माय फ्रेंड्स विल नॉट अलाउ मी टू रन अवे। ओके, एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट यू वांट टू शेयर विद अस? नॉट फॉर दिस ईयर। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम, क्योंकि आपको किसी ने, जैसे आपने बताया, किसी ने आपको ज्वेलरी गिफ्ट नहीं करी है, कोई डायमंड गिफ्ट नहीं किया, तब इसीलिए आपने सोचा कि चलो संस्था से जुड़ जाते हैं। ये लोग भी मुझे कुछ गिफ्ट नहीं करने वाले सर, आप करेंगे शायद? ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ इनके चाहने वाले भारतवर्ष और विदेश में इतने सैकड़ों लोग हैं, ये इनके कहने पे शायद अभी ये पोर्टल के जरिए इनके पसंदीदा चीज़ चूज करके इनको गिफ्ट कर पाए। मुझे अगर किसी को ज्वेलरी अगर आपको गिफ्ट करनी हो तो वो कौन होगा? अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री में से अगर किसी को गिफ्ट करनी हो आपको ये ज्वेलरी, तो वो कौन होगा? मेरा बस चले तो मैं अपने सारे दोस्तों को ज्वेलरी गिफ्ट करूँ, मेरी सारी जितनी फीमेल फ्रेंड्स हैं उनको ज्वेलरी गिफ्ट करूँ। Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Yeah.